Welcome to Angreji Master G Express, www.angrejimasterg.com. एक बार फिर आपका अंग्रेजी मास्टर जी क्लास में स्वागत है. आज आप सीखेंगे कांट और कुडंट हेल्प का प्रयोग. हम लोग अंग्रेजी बोलते और लिखते समय कब, कहाँ और कैसे करते हैं. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कांट और कुडंट हेल्प का हिंदी मतलब क्या होता है. कांट हेल्प का हिंदी मतलब होता है के बगैर नहीं रह सकता. क्या होता है? के बगैर नहीं रह सकता. चलिए जानते हैं कुडंट हेल्प का हिंदी मतलब. कुडंट हेल्प का हिंदी मतलब होता है के बगैर नहीं रह सकता. के बगैर नहीं रह सकता. कुडंट हेल्प का प्रयोग, के बगैर नहीं रह सकता. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा. सब्जेक्ट प्लस कांट और कुडंट प्लस हेल्प वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. कांट और कुडंट का प्रयोग कहाँ करेंगे? कांट का सकता सकती के लिए, कुडंट का सकता था सकती थी यानी था थी आएगा तब आप यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद हेल्प वर्ब का पहला रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है ना. तो मुझे उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. तो यह रहा पहला. मैं मूवी देखे बगैर नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प वॉचिंग द मूवी. I can't help watching the movie. मैं मूवी देखे बगैर नहीं रह सकता. अगला वाक्य. वह मुझे फ़ोन किए बगैर नहीं रह सकता. He can't help calling me. He can't help calling me. वह मुझे फ़ोन किए बगैर नहीं रह सकता. He can't help calling me. अगला वाक्य आपके सामने. वह क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता था. He couldn't help playing cricket. He couldn't help playing cricket. वह क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता था. He couldn't help playing cricket. मैं ट्रेन में खाए बगैर नहीं रह सकता था. I couldn't help eating in the train. मैं ट्रेन में खाए बगैर नहीं रह सकता था. I couldn't help eating in the train. यहाँ पर कुडंट का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर था है ना, सकता था. आई कुडंट हेल्प ईटिंग इन द ट्रेन. मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ में आया होगा है ना. तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. तो यह रहा पहला प्रश्नवाचक वाक्य, यस नो टाइप क्वेश्चन. इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में देते हैं. अंग्रेजी बोलते समय कांट और कुडंट का प्रयोग सबसे पहले होगा. इसमें किसी एक का प्रयोग जो हम पहले बता दिए हैं कि कांट और कुडंट का प्रयोग कहाँ करेंगे. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग. तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस स्ट्रक्चर के बेस पर. क्या तुम सुबह में टहले बगैर नहीं रह सकते? देखिए हाँ या ना है ना. कांट यू हेल्प वॉकिंग इन द मॉर्निंग. कांट यू हेल्प वॉकिंग इन द मॉर्निंग. अगला वाक्य. क्या वह घर पर पढ़े बगैर नहीं रह सकता? कांट ही हेल्प स्टडिंग एट होम. क्या वह घर पर पढ़े बगैर नहीं रह सकता? कांट ही हेल्प स्टडिंग एट होम. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा. डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन. तो यह रहा स्ट्रक्चर. सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होगा सबसे पहले बोला जाएगा. उसके बाद कांट कुडंट इसमें किसी एक का प्रयोग करेंगे. कहाँ करेंगे इसको हमने पहले ही आपको बता दिया है. उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. तो यह रहा पहला एग्जाम्पल्स आपके सामने. तुम काम किए बगैर क्यों नहीं रह सकते? वाई कांट यू हेल्प वर्किंग. तुम काम किए बगैर क्यों नहीं रह सकते? Why can't you help working? अगला वाक्य यह रहा. वह तुमसे बात किए बगैर क्यों नहीं रह सकता था? Why couldn't he help talking to you? Why couldn't he
हेल्प टॉकिंग टू यू, वह तुमसे बात किए बगैर क्यों नहीं रह सकता था, वाई कुडंट ही हेल्प टॉकिंग टू यू। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाक्य। तो यह रहा अगला वाक्य, तुम क्या खाए बगैर नहीं रह सकते, तुम क्या खाए बगैर नहीं रह सकते, वॉट कांट यू हेल्प ईटिंग, तुम क्या खाए बगैर नहीं रह सकते, वॉट कांट यू हेल्प ईटिंग। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाक्य, वह यहाँ आए बगैर क्यों नहीं रह सकता था, वाई कांट ही हेल्प कमिंग हियर, वाई कांट ही हेल्प कमिंग हियर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, ओके।